Good morning, students. In this video, we will read third poem of First Flight, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Students, first I want to ask from you, does not this title depict our real situation? I mean, as we are feeling during this lockdown, the situation is same for the animals who live in cages and zoo. So, in this poem, we will read that like human beings, animals also love to live in their natural habitats, to live in their natural, you know, surroundings, as they feel very helpless and congested in cages and zoo. First, I will read and translate the overview of the poem, and then I will translate each and every line. So let's start with the poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोयम में पोएट ने कंट्रास्ट किया है, कंपेयर किया है टू टाइप्स के टाइगर्स को. एक वो टाइगर्स जो कि जू में रहते हैं और एक वो टाइगर्स जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, मतलब अपने नेचुरल प्लेस में रहते हैं. एंड वी नो वेरी वेल कि एनिमल्स का नेचुरल प्लेस क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट. तो इन दो टाइप के टाइगर्स को पोएट ने कंपेयर किया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. जो पोयम है वो हमारी मूव करेगी, बढ़ेगी जू से जंगल की ओर एंड बैक अगेन टू द जू. और दोबारा फिर वापिस हमारा जो पोयम है वो कहाँ मूव करेगी, जू की ओर. रीड द पोयम साइलेंटली वंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पोयम को साइलेंटली रीड करें एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. और बताएं कि कौन से स्टैंजास हैं, कौन से पैरा हैं जो कि हमें जू के टाइगर के बारे में बताते हैं. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन से पैरा हैं, कौन से स्टैंजास हैं जो हमें जंगल के टाइगर के बारे में बताते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. First of all, I will tell you the meanings of the words in this para. Stalks means to move quietly or follows. Vivid means clear or bright. Stripes means, you know, जो tiger होता है उसकी body पे stripes होती हैं, पटियां होती हैं, तो वो stripe है ये. Pads means the paws of the tiger, जो tiger के पंजे होते हैं. और you can say the soft part under the foot of the tiger. रेज, रेज का मतलब होता है वॉयलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर. हमें पता है टाइगर जो है वो कितना एंगर एंग्री एनिमल होता है. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. कि बिन ही मतलब टाइगर के लिए यहाँ पे ही वर्ड यूज किया गया है. बिना कुछ बोले क्वाइटली साइलेंटली अपनी ब्राइटली बॉडी में जो टाइगर है वो केज के कुछ कदम चलता है, केज के अंदर कुछ कदम चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट. वेलवेट के पैड्स पर, मतलब जो टाइगर के पंजे हैं उनको कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ. जैसे वेलवेट बिल्कुल सॉफ्ट होती है उसी तरीके से टाइगर के जो पंजे हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं. तो यही बताया गया है कि पिंजरे के अंदर रहते हुए टाइगर अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है अपने पंजों के ऊपर बिना किसी आवाज के. क्वाइट मतलब बिल्कुल साइलेंटली, शांति में. इन हिज क्वाइट रेज, अभी हमने रेज का मतलब पढ़ा, वॉयलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, कि वो गुस्सा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. बट अभी जो टाइगर है वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, तो उसका गुस्सा जो है वो अभी शांत है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. शुड वर्ड आ गया, शुड मीन्स चाहिए. तो ये बोला जा रहा है कि जो जू में बंद टाइगर है ना उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, मतलब जंगल में होना चाहिए. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन. शेडो मीन्स पता है आपको परछाई. स्लाइडिंग मीन्स फिसलना. प्लम्प मतलब होता है प्लीजेंटली फैट, मतलब मोटा ताजा. डियर मतलब हमें पता है हिरन. तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. उसे छुपा हुआ होना चाहिए लॉन्ग ग्रास की परछाई में नियर द वॉटर होल, वॉटर होल के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कि मोटा ताजा हिरन जो है वो गुजरता है. और क्यों छुपा होना चाहिए, सो दैट
टाइगर जो है वो प्रे कर सके, डियर को अपना प्रे बना सके। यहाँ पर प्रे पी आर ए वाई नहीं है, पी आर ई वाई, प्रे, अपना शिकार बना सके। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जो टाइगर है, अगेन शुड बी वर्ड इज देयर, कि जो जू का टाइगर है उसे कहाँ होना चाहिए, घरों के चारों ओर चक्कर लगाने चाहिए। कैसे? स्नार्लिंग करते हुए। स्नार्लिंग मतलब मेक टू मेक अ साउंड, एंग्री वार्निंग साउंड, टू मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड, कि जो जू में बंद टाइगर है उसे उन घरों के चारों ओर चक्कर लगाने चाहिए, दहाड़ते हुए उन घरों के चारों ओर चक्कर लगाने चाहिए, वो घर जो कि जंगल के एज पर बने हुए हैं, मतलब जंगल के किनारे बने हुए हैं। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज। बेरिंग मतलब शोइंग, और यू कैन से टू शो। फैंग्स मतलब शार्प टीथ। टेररिंग, टेरर वर्ड आपको पता है कि आतंक होता है, तो टेररिंग मतलब डराना। द विलेज, विलेज मतलब गांव, तो गांव में रहने वाले विलेजर्स को। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। उसे दहाड़ते हुए चारों ओर उन अराउंड हाउसेज दहाड़ना चाहिए, उन घरों के चारों ओर जो कि जंगल के किनारे बने हुए हैं। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने शार्प तीखे सफेद दांत दिखाते हुए। एंड हिज क्लॉज, और उसके पंजे दिखाते हुए। टेररिंग द विलेज, विलेज को डराते हुए, मतलब ऐसे घूमना चाहिए उसे, पिंजरे में एक केज में बंद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस तरीके से उसे घूमना चाहिए। एंड इट शोज द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ एन एनिमल, ऑफ अ टाइगर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स सेल मेड ऑफ, कंक्रीट सेल मीन्स सेल मेड ऑफ सीमेंट। लेकिन जो टाइगर है वो खुले में नहीं घूम रहा है, बल्कि वो जू में एक सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, पार है, वो सब बिहाइंड द बार्स है, मतलब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। स्टॉक्स वर्ड का मतलब बताया है टू मूव क्वाइटली और फॉलोज, वही चीज इसमें है कि जो पिंजरा है उसकी लंबाई एक तरह से वो नाप रहा है, नाप रहा है मतलब इधर से उधर पिंजरे में कदम रख रहा है, चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो आने वाले लोग हैं जो उसको, टाइगर को देख रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उसमें वहां पे रहकर खुश नहीं है, तो इसलिए ये उसका रोज का काम हो गया है। उसको पता है कि लोग आएंगे, उसको देखेंगे, दैट्स वाई ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स। एंड एक्चुअली ही इज फीलिंग वेरी कंजस्टेड इन द जू इन द केज। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स, यू नो वेरी वेल, अ पुलिस कार यूज फॉर पेट्रोलिंग स्ट्रीट्स। एंड पेट्रोलिंग का मतलब होता है टू टेक राउंड्स एट रेगुलर टाइम। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, लास्ट वॉइस जो कि वो रात में सुनता है वो है पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मतलब घूरना, मतलब बहुत ध्यान से देखना या फिर घूरना। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, देखता है, लगातार देखता रहता है अपनी चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की तरफ। So in this poem, sad or unhappy situation of tigers has been shown because they are confined in the cage, they are ignoring the visitors because they can't attack them. So students, what you have to do? Watch the video again and write down the meanings of those words which I told you during the explanation. Fine. Thank you.